नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी सीरीज़ जहाँ पर हम आपको ये गाइड करेंगे कि किस तरह से एक बिजनेस का सेटअप किया जाए जब हम एक बिजनेस का सेटअप करना चाहते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो मार्केटिंग से रिलेटेड हो फाइनेंस से रिलेटेड हो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो तो किसी भी बिज़नेस के सेटअप को तैयार करने के लिए हमें किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स अपनाने चाहिए ताकि हम प्रोडक्शन से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक और ब्रांड एंडोर्समेंट से लेकर अपनी सेल्स को बूम करने तक तो किसी भी बिजनेस सेटअप का सबसे पहला जो आधार है वो है कंपनी का फॉर्मेशन या आपकी फर्म का फॉर्मेशन तो ये फर्म किस तरह की होनी चाहिए इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपको दिखाएंगे आज हम बात करते हैं आपने एक अपनी कंपनी का प्रारूप तैयार कर लिया और अब आप एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद उसका प्रोडक्शन से लेकर सेल्स एंड मार्केटिंग तक का सब कुछ जानना चाहते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए किस तरह से मार्केट में अपनी जगह अपनी पहचान अपना नाम बनाया जाए आज हम इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं तो कंपनी के फॉर्मेशन के बाद सबसे पहला जो काम होगा वो आपको स्ट्रीमलाइन करना है अपने अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस बैंकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में किसी भी प्रोडक्ट की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं नंबर वन कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग जहां पर आप किसी दूसरी कंपनी को या किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जहां पर क्वालिटी कंट्रोल के साथ आप अपने प्रोडक्ट को उनसे प्रोड्यूस कराते हैं और दूसरा है सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग या ओन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जहाँ पर कर आप अपने प्रोडक्ट को बनाकर तैयार करेंगे मैन्युफैक्चरिंग चाहे आपकी सेल्फ हो चाहे आप कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कराएं सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सेल्स वॉल्यूम के अकॉर्डिंग किस तरह से आपको अपना सारा का सारा स्टॉक मेंटेन करना है तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सेल्स क्योंकि तो किसी भी बिजनेस की ग्रोथ सक्सेस प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सपेंशन केवल सेल्स पर निर्भर करती है यदि आपके व्यापार में सेल अच्छी है तभी आप तेजी से डेवलप कर पाएंगे और बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे सेल्स में दो फॉर्मेट है दैट इज ऑनलाइन सेल्स एंड सेकंड ऑफलाइन सेल तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑनलाइन सेल के बारे में ऑनलाइन सेल के लिए ज़रूरी नहीं कि सबसे पहले आप अपना ई कॉमर्स पोर्टल बनाएं आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स पोर्टल्स के साथ टाइप करके भी अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं तो मैं बताता हूं कि वो कौन कौन सी साइट है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड करके एक बहुत बड़ा सेल्स वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट ईबे मंत्रा स्नैपक्लूज़ ये वो सभी वेबसाइट्स हैं जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंज्यूमर नेसेसिटी बेस्ड गुड्स को सेल करती हैं और ये आपको सपोर्ट करती हैं सेल्स के वॉल्यूम को डेवलप करने में ऑनलाइन सेल्स का जो दूसरा फॉर्मेट है दैट इज ई कॉमर्स वेबसाइट आप अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करके भी बहुत अच्छा सेल्स वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं लेकिन ये एक तरह से अपने आप में अपने बिजनेस की नई यूनिट तैयार करने के बराबर है क्योंकि ई e कॉमर्स कंपनी चलाना भी अपने आप में एक सेपरेट बिजनेस है एंड द नेक्स्ट दैट इज ऑफलाइन सेल और जब हम ऑफलाइन सेल की बात करते हैं उसके भी डिफरेंट डिफरेंट मैथड हैं जैसे यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टोर ओन शोरूम ओन गोडाउन ऑन स्टॉक पॉइंट फाइन और एक्सक्लूसिव डीलर आप अपने बिजनेस में सेल जनरेट करने के लिए ब्रांड एक्विजिशन के लिए और अपने ब्रांड को ग्लोबल और ब्रांड इक्विटी जनरेट करने के लिए आप एक्सक्लूसिव डीलर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं जो एक्सक्लूसिवली केवल आप ही का प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं जिसे हम एक तरह से फ्रेंचाइजी यूनिट भी कह सकते हैं ऑफलाइन सेल्स में अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए और एक वॉल्यूम सेल जनरेट करने के लिए आप डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप सी एंड एफ एंड सुपर स्टॉकिस्ट बिजनेस सिस्टम का सहारा भी ले सकते हैं एंड द नेक्स्ट टू जनरेट गुड सेल आउट ऑफ द मार्केट यू कैन डू बिजनेस टूअर्स आप जोन वाइज सिटी वाइज कंट्री वाइज बिजनेस टूअर करके भी अपने प्रोडक्ट को अपने बायर तक पहुंचा सकते हैं चाहे वो होल सेल पर हो रिटेल पर हो स्टॉकिंग पर हो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर हो या एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी मेथड के जरिए हो ऑफलाइन सेल्स का जो नेक्स्ट फार्मूला है दैट इज़ पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय आईटीपीओ चैंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन एग्जीबिशंस को आप जोनल लेवल स्टेट लेवल कंट्री लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर भी पार्टिसिपेट करके अपने बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जा सकते हैं और सेल्स का एक और महत्वपूर्ण ऑफलाइन बिजनेस है दैट इज एक्सपोर्ट जहां पर आपके काम करने के लिए पूरा विश्व आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार है और ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए और पूरे विश्व में अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए आप एक्सपोर्ट बिजनेस का सहारा भी ले सकते हैं और एक्सपोर्ट किस तरह से करना है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो एक्सपोर्ट के ऊपर बनाया हुआ है कि एक्सपोर्ट के रूल एंड रेगुलेशन क्या हैं किस तरह से इंटरनेशनल बायर ढूंढा जाए और किस तरह से अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट के माध्यम से ग्लोबल लेवल पर ले जाया जाए इस वीडियो में हमने बात की है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में और सेल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से मार्केटिंग की जाए ताकि आप अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को चलाने के लिए अच्छा सेल्स वॉल्यूम जनरेट कर सकें मार्केटिंग में मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल लेने वाला हूँ इसीलिए मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख ज़रूर बताएं कि आप किस तरह के प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाहते हैं या किस तरह के प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं या भविष्य में करना चाहते हैं साथ ही साथ इस सीरीज़ को जानने के लिए और सीरीज़ में बताए गए सभी स्टेप्स को समझने के लिए मेटास क्लब के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं जय हिंद जय भारत